अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद हमैद है और आज जो मैं आप लोगों से वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ वो वीडियो कौम सबह के बारे में है। तो चलिए बग़ैर ताखिर किए हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो बहुत ही अच्छी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। अहले सरसार की एक कौम जिसे कौम सबा भी कहा जाता है, अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों के अंदर ज़िंदगी गुजार रही थी। ये कौम एक अजीम तहजीब व तमद्दुन की मालिक थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बाअज़मत हुकूमतों के बाद उनकी हुकूमत ज़ुबान ज़दे ख़ासो आम थी। कहा जाता है कि ये लोग गंदम के मग़ से आटा पीसकर रोटियां पकाते थे, लेकिन इस कदर असराफ करने वाले और नाशुक्रे थे कि उन्हीं रोटियों के साथ बच्चों का पाखाना साफ करते थे। उन आलूदा रोटियों को इकट्ठा करने से एक पहाड़ बन गया था। एक साले शख्स ने वहां से गुजरते हुए एक औरत को देखा जो रोटी के साथ बच्चे के पाखाने के मकाम को साफ कर रही थी। उस शख्स ने औरत से कहा, तेरे ऊपर अफसोस, खुदा से डर, कहीं ऐसा ना हो कि खुदा तेरे ऊपर अपना गज़ब ढाए और तुझसे अपनी नेमत छीन ले। उस औरत ने जवाब में मजाक उड़ाया और मगरूराना अंदाज में कहा, जाओ जाओ, गोया कि मुझे भूख से डरा रहे हो। जब तक सरसार जारी है मुझे भूख से किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है। कोई ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि अल्लाह ताला ने हवसबाजों और असराफकार लोगों पर अपना गज़ब ढाया। पानी जो कि ज़िंदगी की बुनियाद है उन लोगों से छीन लिया था। कहत नाजल हुआ, बात यहाँ तक पहुँच गई कि उनकी ज़खीरा की हुई तमाम ग़िज़ा ख़त्म हो गई। आखिरकार वो मजबूर हो गए कि उन्हीं आलूदा रोटियों पर टूट पड़ें जो उन लोगों ने इकट्ठी करके पहाड़ के मानद ढेर लगाया हुआ था, बल्कि वहाँ से रोटी लेने के लिए सफ लगती ताकि हर कोई वहाँ से अपने हिस्से की रोटी ले सके। कुफरान नेमत, कहत और उनकी बदहाली के बारे में मुतअद्दद रिवायात मौजूद हैं। सूरह नहल की आयत नंबर 112 और 113 में यूं इरशाद होता है, और अल्लाह ने उस करिया की भी मिसाल बयान की है जो महफूज और मुतमईन था। उसका रिज्क हर तरफ से बाकायदा आ रहा था, लेकिन उस करिया के रहने वालों ने अल्लाह की नेमतों का इनकार किया तो खुदा ने उन्हें भूख और प्यास का मज़ा चखाया सिर्फ उनके उन आमाल की बिना पर के जो वो अंजाम दे रहे थे। और यकीनन उनके पास रसूल आया तो उन्होंने उसकी तकदीब कर दी, तो फिर उन तक अजाब आ पहुँचा कि ये सब जुल्म करने वाले थे। इसी कौम सबा के बारे में एक और वाकया बयान होता है कि उन लोगों ने अपने ज़राअत को बेहतर तौर पर काश्त करने के लिए पानी ज़खीरा करने की खातिर बलक के दो पहाड़ों के दरमियान एक बहुत बड़ा बंद मारब तामीर किया हुआ था। सुराह और दूसरे पहाड़ों से गुजरा हुआ पानी उस बंद में आकर वाफिर मकदार में जमा हो जाता था। कौम सबा ने उस पानी से सही तौर पर इस्तफादा करते हुए वसीओ अरीज़ और बहुत से खूबसूरत बागात लगाए और खेती बाड़ी को रौनक बख्शी। उन बागात के दरख्तों की शाखें इस कदर फलों से लदी हुई होती थीं कि कहते हैं कि अगर कोई शख्स सर पर टोकरी रखकर उनके नीचे से गुजरता तो फल खुद ब खुद टोकरी में गिरना शुरू हो जाते और कलील मुद्दत में टोकरी ताज़ा फलों से भर जाती। उस कौम के बहुत सारे देहात और करिए थे जो बहुत आबाद और आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन नेमतों की कसरत ने उन्हें शुक्र करने के बजाय सरमस्त और गाफिल कर दिया था, यहाँ तक कि उनके दरमियान बहुत बड़ा तबकाती निज़ाम वजूद में आ चुका था। उनमें से साहिब इक्तदार लोगों ने कमज़ोरों और ज़ईफ़ों का खून चूसना शुरू कर रखा था, यहाँ तक कि उन लोगों ने खुदा से एक अहमकाना इल्तमास किया जिसका जिक्र सूरह सबा की आयत नंबर 19 में मिलता है। उन्होंने कहा, खुदाया हमारे सफ़रों के दरमियान फ़ासला ज़्यादा कर दे। उन्होंने अल्लाह ताला से ये इल्तमास इसलिए किया ताकि गरीबों बेनवा लोग उम्रा और सरवतमंदों के हमरा सफ़र ना करें। उनकी ख्वाहिश ये थी कि आबादियों के दरमियान खुश्की हो और फासला बहुत ज़्यादा हो।
ताकि तहीदस्त और कम आमदनी वाले लोग उनकी तरह सफ़र ना कर सकें। अल्लाह ताला ने उन मगरूर पेट के पुजारियों पर अपना गज़ब नाजिल किया। बाज़ तवारीख के मुताबिक उन मगरूर लोगों की आंखों से दूर सहराई चूहों ने मारिब नामी बंद की दीवारों पर हमला करके उन्हें अंदर से खोखला कर दिया। उधर से बारिशें ज़्यादा हुईं जिनकी वजह से सैलाब आ गया और उस बंद में पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया। अचानक बंद की दीवारें टूटीं, उससे एक बहुत बड़ा सैलाब आया जिसमें तमाम देहात, आबादियां, माल मवेशी, बागात, खेतियां, उनके महल और घर पानी में गर्क होकर नाबूद हो गए। उनके बागात और ज़रात में से सिर्फ कुछ पीलू और बेरी के दरख्त और कुछ झाड़ियां बची थीं। खुश अलहान परिंदे वहां से कूच कर गए थे जबकि उल्लुओं और कवों ने कौमे सबा के खंडरात में अपने घोंसले बना लिए थे। इस बात का ज़िक्र सूरह सबा की आयत नंबर 15 और 16 में मिलता है और आखिर में सूरह सबा की आयत नंबर 17 में कुरान करीम में इस वाक़या का यूं नतीजा निकाला है, ये हमने उनकी नाशुक्री की सज़ा दी है और हम नाशुक्रों के अलावा किसी को सज़ा नहीं देते। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे ही मज़ीद वीडियो आप तक पहुंचता रहे। अस्सलामु अलैकुम।